प्रथम तहलका न्यूज और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेस को चुनौती दी और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर बड़ौदा से चुनाव लड़े। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जो एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला है वो पक्ष और विपक्ष का तेज हो चुका है। आपको बता दें कि करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर बड़ौदा से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर बड़ौदा से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि संजय भाटिया ने पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा के पार्टी छोड़ने के सवाल पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानूनों को नहीं पढ़ सके वही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं श्याम सिंह राणा को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और वो एक अच्छे इंसान है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहाँ करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेस को चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर बड़ौदा से चुनाव लड़े। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां करनाल से सांसद संजय भाटिया ने राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में दम है तो कृषि मुद्दों पर जो है वो बड़ौदा का उपचुनाव लड़े। उन्होंने साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा के पार्टी छोड़ने के सवाल पर भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो कृषि कानूनों को नहीं पढ़ सके वो इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं श्याम सिंह राणा को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और वो एक अच्छे इंसान है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते से भी, हमने हमेशा ही कोर्ट का सम्मान किया और आज भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं कि उन्होंने जस्टिस दी। नहीं, आप समझ सकते हैं कि आपको पता है कितना ज़्यादा प्रेशर्स है, कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, फिर भी देर से चलो भले ही मिला लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा फैसला आया और हम सब इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाँ, श्याम सिंह राणा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं और रिज़ाइन क्यों कर दिया ये तो वही जानते होंगे कि उन्होंने क्या कारण दिया है। क्या कारण दिया मैं देख नहीं पाया न्यूज़ क्या कि देखिए किसान अध्यादेश या किसान कानून जो बना है उसका विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने इस कानून को पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने इसका अध्ययन ही नहीं किया। आज वो गलत फहमी में है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो हमारा साथी, चाहे श्याम सिंह राणा जी आपने बताया कि चले गए, या पंजाब के हमारे सहयोगी रहे सुखबीर बादल जी, अगर वो ध्यान से इस कानून को पढ़ लेंगे तो इस कानून ने किसानों को कुछ ना कुछ दिया ही है पहले से ज़्यादा। जो कुछ उनके पास था उसमें से कुछ भी नहीं लिया। जिस दिन ये हम समझ लेंगे हम सब लोग किसान कानून के पक्ष में ही खड़े हुए दिखेंगे। राहुल जी तो देखो बहुत सीनियर हैं और मैं तो, वो बहुत राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं और मैं तो उनके बारे में टिप्पणी, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता थे तो ज़्यादा बढ़िया है, मैं तो अपनी जो छोटी बुद्धि है मेरी उसके आधार पे कह सकता हूँ। हम तो उनका प्रतिरूप जो देखते हैं राहुल गांधी जी का, वो हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वही उनके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, वही उनका झोला उठा के रखते हैं, वही उनकी सारी बातों को लिपापोती करके सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय रणदीप सुरजेवाला जी से आग्रह करूंगा कि अगर, क्योंकि बाई चांस वो बेरोजगार भी हैं, पहले जींद में और फिर कैथल में रोजगार नहीं मिला उनको, अभी उनके पास एक अवसर है बड़ौदा के अंदर, अगर वो चाहें तो उस अवसर का लाभ उठाते हुए इस कृषि अध्यादेश को ही, कृषि कानून को ही जो हमने फैसले करे हैं केंद्र सरकार ने कृषि और कृषकों को लेकर, किसानों को लेकर, उसी मुद्दे पर
बड़ौदा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आ जाएं, हो सकता है उनकी बेरोजगारी भी खत्म हो जाए और सिद्ध सही या गलत इसी आधार पे हो जाएगी।